अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन या ग्लूकोज का बनाना किससे? नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर से, ठीक है। नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर से हमें ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बनाना है। तो ये ऑलमोस्ट रिवर्सल है ग्लाइकोलाइसिस का। तो इस वीडियो से को देखने से पहले ग्लाइकोलाइसिस की वीडियो देख लें ताकि आपको पता चल जाए ग्लाइकोलाइसिस कैसे होती है, ठीक है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस के तीन मेजर कौन कौन से सोर्सेज हैं? ग्लिसरॉल, ठीक है, नंबर वन ग्लिसरॉल, नंबर टू लैक्टेट, नंबर थ्री अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में भी प्रोप्योनेट और एलानिन, और एलानिन और प्रोपियोनेट में बात करें तो सबसे मेजर एलानिन है, ठीक है। क्या क्या सोर्सेज बताए मैंने? ग्लिसरॉल, लैक्टेट, इसके बाद अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स में ज़्यादा जो है एलानिन। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं ग्लिसरॉल से बनाते हैं हम ग्लूकोज। ये है हमारे पास ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल पे मैंने आपको बहुत मतलब बताया कि जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं तो सबसे पहले इसकी फॉस्फोरिलेशन करा देते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल काइनेज एक्ट करेगा, इसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, और फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी तो ये वाले मैं आपको ग्लिसरॉल की काइनेज वाली मेथड्स आपको मैंने लिपिड्स में भी बताया हुआ है। तो ग्लिसरॉल इस पर काइनेज एक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में, ठीक है, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में। अब इस ये वाला रिएक्शन इरिवर्सिबल था। अब ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, एंजाइम एक्ट करता है डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है और ये जो रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एंजाइम का नेम ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के नेम पे है, 3-ग्लिसरॉल फॉस्फेट। अब इन डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में क्या डिफरेंस है? इसमें सिर्फ दो हाइड्रोजन का डिफरेंट है, दो हाइड्रोजन ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में ज़्यादा है, ठीक है, दो हाइड्रोजन ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में ज़्यादा है। इसका मतलब है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें से दो हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे। तो यही होता है, Na+ आता है और इसमें से दो हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब आप ग्लाइकोलाइसिस आती होगी तो ये हो पता होगा, बिल्कुल रिवर्सल करते जाना है हमने। डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किससे टूट के बना था? फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से टूट के बना था ना। तो ये डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के साथ मिलके कन्वर्ट हो जाती है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में, ठीक है। फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन था, ये आगे वाला भी रिवर्सिबल रिएक्शन था, ठीक है। अब ये बन गया फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये 3 कार्बन वाली शुगर थी, ये 3 कार्बन वाली शुगर थी, ये कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में। ये फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट पे एक्ट आपने सिर्फ मैं जो बता रही हूँ वो देखना है। फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट कन्वर्ट पे एक्ट करता है, हमने इसको कन्वर्ट करना है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। इसका हमने फर्स्ट वाला फॉस्फेट उतार देना है। तो ये एंजाइम फॉस्फेट उतारना है, तो फॉस्फेट उतारने के लिए हमें एंजाइम कौन सा सही होता है? फॉस्फेटेज। तो ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट पे एंजाइम एक्ट करता है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज, ठीक है। वाटर की प्रेजेंस में इसका फॉस्फेट निकल जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। ये जो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट है ना, अब हमने इसकी यहाँ पे आइसोमर एक्ट करेगा, और ये अब इस फ्रुक्टोज का आइसोमर कौन सा है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट अब ग्लूकोज में कन्वर्ट, अब ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है ना, ये ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट हो सकती है। मैंने आप ग्लूकोनियोजेनेसिस की डेफिनेशन में बताया कि हम ग्लूकोज या ग्लाइकोजन दोनों बना सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में। तो ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो सकती है ग्लाइकोजन में। ये पूरा पाथवे है, ठीक है, आपको ग्लाइकोजन सिंथेसिस आती होगी तो फिर आपको ये समझ आएगी।
ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए हमें चाहिए कि ये फॉस्फेट उतर जाए। तो फॉस्फेट उतरने के लिए हमें फॉस्फेटेज चाहिए होता है, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एक्ट करेगा वाटर की प्रेजेंस में, इसका फॉस्फेट निकल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज से। ठीक है, ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हो गया। हमने बनाया है ग्लिसरॉल से ग्लूकोज, कैसे बनाया दोबारा देख लें। ग्लिसरॉल से हमने ग्लिसरॉल कन्वर्ट किया, हमने काइनेज एक्ट किया तो ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में। ठीक है, थर्ड पे फॉस्फेट लग गया, फिर इसके ऊपर ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डी हाइड्रोजनेज एक्ट किया तो इसका 2 हाइड्रोजन निकल गया तो ये कन्वर्ट हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट नहीं, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के साथ मिलके बन गया फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट। ये फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट पे फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट टेज एक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, और फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन है ना, जो फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। ठीक है, इसीलिए दो एंजाइम एक्ट करते हैं रिवर्सिबल करने के लिए। अब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जब कन्वर्ट होगा फिर 6-फॉस्फेट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, तो ये आइसोमर है तो आइसोमर एक्ट करेगा और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। एक और बात कि जो रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं ना वो इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। ठीक है ना, जो इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं वो रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं रेगुलेशन बताऊंगी। ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, अब ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में ग्लाइकोजन सिंथेज एक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, और यहाँ पे अगर ग्लूकोज में हमें कन्वर्ट कराना है तो ये फॉस्फेट उगाना पड़ेगा, तो ये फॉस्फेट उगाने के लिए हमें फॉस्फेटेज चाहिए होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एक्ट करेगा तो यहाँ ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में।